सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन गली बॉय के बाद आपने जिस तरह से लोगों को आपने हंसाया उधर एंटरटेन किया, गिरगिट में क्या करने वाले हैं? सर गिरगिट में मैं हिंदुस्तान के हर लड़के की ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ हर तरीके से। आई थिंक हर एक लड़के का जब वो नौजवान होता है तो उसका इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का एक ख्वाहिश रहती है, तो मैं इस स्टोरी के ज़रिए वो दर्शकों को उस तरीके से मनोरंजन देना चाहूँगा। रणबीर एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज़ एन ऑब्सेसिव लवर जो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। काफ़ी फ्लॉड इंसान है बट वो अपनी कमियां छुपाता नहीं है सर, और इनफैक्ट वो ऐसे अपने हथेली पे रखे बताता है कि यार मैं ऐसा इंसान हूँ। बहुत ही करेजियस है अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि हम दुनिया से डरते हैं इसलिए अपनी कमियां छुपाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ट्रेलर की बात करें लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो आपको किस तरह एप्रिसिएशन मिल रहा है? आपका पोस्टर भी काफ़ी धमाकेदार दिखाई दे रहा है, तो किस तरह एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको? सर अगर मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स की बात करूँ तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब दे कैन नॉट वेट टू यू नो फॉर दिस सीरीज़ टू रिलीज़ एंड देयर लाइक यार ये इतनी बड़ी सीरीज़ होने वाली थी, मुझे नहीं पता था, एज लाइक मुझे खुद को भी नहीं पता था। जैसे कि मैं हमेशा हर लोगों को बताता हूँ कि मैंने जब ये स्टोरी पूरी की पूरी सुनी थी तो मुझे एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर है गाय रिची, मुझे उनकी याद दिलाई थी, और जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसका उतना ही पेस था, उतनी पागल दुनिया बाहर निकल के आई, और आई थिंक ये जो पागल दुनिया है ये हमारी ऑडियंस को भी पागल करने वाली है और हुक करने वाली है। ओके, अगर हम बात करें शूट की, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मनाली में शूट हुआ है, मुंबई में शूट हुआ है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर 24 दिन में हमने सिर्फ पागलों की तरह अपने अंदर का जो पैशन है अपनी एक्टिंग को लेके और फिल्म मेकिंग को लेके सिर्फ वही एक्सप्लोर किया है, और बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से साथ में काम किया है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जब एक यूनिट पूरे के पूरे प्यार और मोहब्बत और एक साथ एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट लेके काम करती है तो देन व्हाट कम्स आउट इज़ नथिंग बट लव। और जैसे कि सीरीज़ की अंडरबेली है वो प्यार है, और प्यार के साथ में अगर ऑब्सेशन जुड़ जाए तो आपके सामने गिरगिट जैसी एक पागलपंती वाली कलरफुल दुनिया आती है। गली बॉय के बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई आपकी? सर गली बॉय के बाद एक चीज़ मैंने सीखी है कि मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। मैं एक ही चीज़ सबको यही बोलता हूँ कि इन वट एवर प्रोफेशन यू आर इन मेहनत करते रहिए, और मैं एक ही चीज़ है, मैं अपने आप को बहुत टैलेंटेड एक्टर नहीं मानता हूँ या क्रिएटिव नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर कोई एक लाइन 10 बार पढ़ सकता है रिहर्सल करते वक्त तो मैं 100 बार करके आई थिंक सबसे बेटर कर लूँगा। तो मैं ये करते करते जब मैंने ये फिलॉसफी अपनाई तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ मेरे पास आती रही, फिल्म मेरे पास आती रही, और भगवान की दया से ऊपर वाले की दया से चीज़ें लाइक अब लोगों के अंदर मेकर्स के अंदर एक ट्रस्ट है कि अगर हाँ हम इसको एक काम देंगे तो ये करेगा, ये कुछ नया लेकर आएगा, एंड मुझे हर बार यही करना है कि मुझे कुछ अपना एक नया साइड अपनी ऑडियंस के सामने रखना है। ऑल्ट बालाजी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सच अ बिग प्लेटफॉर्म है, अगर आप कहा जाता है कि अगर आप ऑल्ट बालाजी के साथ जुड़ गए तो हमेशा आप जुड़े ही रहते हैं, और पैसे भी काफी यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। सर पैसे तो मैं कभी नहीं छोड़ता सर, मुझे पैसे, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि बट पैसे ज़्यादा सर, ऑल्ट इज नोन फॉर मेकिंग अमेजिंग थ्रिलर्स, अगर डार्क सेवन वाइट की अगर आप बात करोगे अमेजिंग है, कार्टल अगर आप अभी जो रिलीज हुआ है बहुत ही अच्छा है, तो क्योंकि ये थ्रिलर था एंड आई वॉज लाइक ऑल्ट थ्रिलर्स के साथ जहाँ तक अभी तक आपने देखा है कभी गलत नहीं गया है। और रही बात एसोसिएशन की, तो मेरे पास अगर अच्छी स्क्रिप्ट आती रहेगी तो मैं अपने पागलपंती और जुनून के साथ और इक्वल बड़े से बड़े पे चेक के साथ ऑल्ट के साथ अच्छे से अच्छा काम करता रहूँगा। ऑल्ट की खासियत है कि इसकी रीच आउट काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत दूर तक लोग देखते हैं जी, रीच आउट पर आपका कहना चाहिए? सी ऑल्ट का सबसे बड़ी जो एक चीज़ है कि वो जो हमारी ऑडियंस है और उनके दिल में क्या चीज़ समाती है वो ढंग से समझती है, यू नो लाइक बेसिकली एकता नोज द नर्व ऑफ इंडिया आई वुड से। अगर आप सी
even if you see films, it's just not about web series. They know the underbelly of India, and I'm so glad I'm learning that. Digital जो OTT platform में लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखें कई सारी बड़ी-बड़ी फिल्में अभी OTT पर release हो रही हैं, उसको लेके आपकी क्या प्रॉब्लम है? मतलब actors getting more and more opportunity in OTT. सर सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि वो एक्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिल रही है क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. क्योंकि फिल्म्स में क्या होता था कि पहले दो तरीके की फिल्म होती थी, एक जिसके अंदर आप सीधा इट्स अ फॉर्मेट फिल्म कि इस एक्टर की ये मार्केट वैल्यू है, आप ऐसी फिल्म बनाओ तो चलेगी. दूसरी फिल्म जो होती थी जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनती थी जिसका हर एक एक्टर चाहता है, लेकिन वो बहुत ही कम थी. मतलब आपको दो साल में तीन फिल्म मिलेगी. OTT प्लेटफॉर्म के कारण हुआ ये कि लोगों को जो अपनी ट्रू स्टोरी है उसको कहने का एक मौका मिला है. सो अगर आप ऑल्ट की बात करें, आप जितनी भी वेब सीरीज़ देखेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते वो फिल्म में आएगी, बिकॉज आपको सेंसरशिप रोक देगा. आपको मेकर्स जो बैठे हैं जो एक बॉक्स फॉर्मेट में सोचते हैं वो नहीं बनाने देंगे. और इसीलिए एज एन एक्टर, क्योंकि आपको नई दुनिया एक्सप्लोर करने को मिलती है, अतरंगी दुनिया, कलरफुल दुनिया, जैसे कि हमारी ग्रीड की है, वो एक्सप्लोर करने को मिलती है. नथिंग लाइक इट. मतलब किसको पसंद है कि मैं एक ही तरीके का कैरेक्टर जाके 10 साल तक करता रहूं. मैं सीरियल कर लेता, बट नहीं इंटरेस्ट है. ओके, आखिर में आने वाले दिनों में हम आपको क्या-क्या प्रोजेक्ट करते हुए दिखेंगे, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें? सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक और नई दुनिया है जिसमें मैंने जस्ट अभी एंटर किया है, एक छोटा सा स्केड्यूल खत्म किया है, और अगले महीने 18 तारीख से मैं केरला जा रहा हूँ उसकी शूट के लिए. फिर डेढ़ महीने बाद लौटूंगा, और जब वो दुनिया तैयार होगी तो मैं आपसे आके ज़रूर मिलूंगा ताकि आप वो दुनिया भी मेरी ऑडियंस तक पहुंचा सके. फिल्म है क्या है? वो वेब सीरीज़ है सर, एक और. किसके साथ आप सर किसके साथ? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो काफ़ी मंझे हुए डायरेक्टर हैं. आपने उनकी बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी है, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड. और अगेन आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारा काम है सर उसके अंदर. ओके, गिरगिट की अगर हम और फैंस को सबको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 27 तारीख आने से पहले अपनी ऑल्ट की मेंबरशिप ले लो. बहुत ही सस्ता सब्सक्रिप्शन है, आई थिंक अराउंड 300 rupees फॉर अ ईयर. तो आप गिरगिट से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, और फिर जितने भी अमेजिंग उनके वेब सीरीज़ हैं, पूरा का पूरा दे हैव अ बिग सॉर्ट ऑफ शोज लाइंड अप. इवन द वन विच आर कमिंग आउट आर अमेजिंग. और मेंबरशिप रेडी रखिए, और दिल में जो आपके प्यार वाला कोना है ना, उसके थ्रू गिरगिट को देखिएगा, और अपने अंदर का ऑब्सेशन कहीं ना कहीं आप उस इस सीरीज़ के थ्रू जगा पाएंगे. तो प्यार और ऑब्सेशन से गिरगिट को देखिए, और फिर वही और प्यार और ऑब्सेशन आके हमारी पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.